हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ कि जो लैंडलाइन फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनकी जो फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब क्या फॉल्ट आए तो कौन सा पार्ट रिमूव करना है। ये कंप्लीट फॉल्ट फाइंडिंग लेके आया हूँ फ़ोन्स की। ये डिफरेंट फ़ोन्स आप देख रहे हैं जो कि मैंने खोले हुए हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं तो पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और जितना से जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि है कि डिफरेंट सर्किट और डिफरेंट पार्ट्स इन लैंडलाइन फोन्स और डिफरेंट फॉल्ट्स, जो डिफरेंट टाइम के फॉल्ट में, एक फॉल्ट नहीं इसमें बताऊंगा मैं, डिफरेंट फॉल्ट बताऊंगा कि अगर डिफरेंट जो इस किस्म का फॉल्ट आए तो आपको क्या पार्ट रिमूव करना है, और इस किस्म का आएगा तो आपको क्या, क्योंकि माय एक्सपीरियंस इज 8 ईयर्स, मेरा इस लाइन में 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है लैंडलाइन फ़ोन्स का यो रिपेयरिंग में। ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मैंने फ़ोन्स खोले हुए हैं, बीतल, आरपेट का पड़ा हुआ, ये बीतल का पड़ा हुआ, बीतल का पड़ा हुआ, कोई भी फ़ोन हो उनमें जो वर्किंग होती है वो सेम ही होती है, कार्य प्रणाली जो होती है वो सेम ही होती है कि किस तरह वो फ़ोन कार्य करेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स डिटेलिंग चलते हैं कि जो लैंडलाइन फ़ोन होता है उसमें क्या होता है। सबसे पहले कि जिस तरह आप देख रहे हैं, ये एक ट्रिपिंग स्विच होता है, जिस तरह हम इसको प्रेस करते हैं जो सर्किट ब्रेक हो जाता है। तार लगा लेते हैं, वायर लगा लेते हैं, एक सिग्नल दे लेते हैं इसके पीछे से। फ्रेंड्स, आपकी सहूलत के लिए वीडियो बनाते हैं अच्छे से अच्छे, तो प्लीज़ आपका थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बनता है। प्लीज़ जल्दी से प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जी। जिस तरह कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये ट्रिपिंग स्विच है। सबसे पहले जो मैं आपको फॉल्ट बताने आ रहा हूँ कि जो अगर आपके लाइन फ़ोन में या लैंडलाइन फ़ोन में किसी तरह का भी अगर कोई फ़ोन है उसमें अगर डिस्टरबेंस आ रही है किसी भी किस्म की, आप पीछे से कंप्लेंट भी करते हैं, वो पीछे से अपना आपका रिपेयर भी कर देते हैं, पूरा पूरी लाइन, और जो डिस्टरबेंस है वो क्लियर नहीं होती। डिस्टरबेंस का जो मेन इशू होता है, अगर आपके लाइन फ़ोन में डिस्टरबेंस है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लाइन कार्ड होती है, ये आप देख रहे हैं लाइन कार्ड, आपको ये क्या करना है कि सबसे पहले ये लाइन कार्ड जो है इसको लगा लेते हैं पहले। ये लाइन कार्ड अगर कोई भी किसी तरफ के डिस्टरबेंस आ रही है, ये जो लाइन कार्ड आप देख रहे हैं ये जो हैंडसेट से कनेक्ट करती है, आपको क्या करना है, ये लैंडलाइन, ये जो लाइन है, लाइन कार्ड है, ये आपको चेंज करनी है। लाइन कार्ड चेंज करने का इजी तरीका है, ये जैक प्रोसेस होता है, इसमें जैक लगा होता है, ये आप जिस तरह देख रहे हैं, आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और खींचेंगे। अगर आप इसको इस तरह खींचेंगे तो इसका जो जैक है वो टूट टूट सकता है। आपको क्या करना है, उसको सिंपली प्रेस, इस तरह प्रेस करके इसको खींचेंगे तो ये जैक बाहर आ जाएगा। सबसे पहला फॉल्ट ये आ गया, अगर डिस्टरबेंस है आपके लाइन फोन में तो आपने ये लीड चेंज कर ली आप अपनी। ये जो मैं फॉल्ट बता रहा हूँ ये डिस्टरबेंस का, सेकंड इशू क्या आता है, सेकंड इशू होता है कि आपने अगर ये लाइन वायर भी चेंज कर ली, पीछे से आपने लाइन मैन को कह के लाइन भी रिपेयर करवा ली, और फिर भी आपकी डिस्टरबेंस नहीं जा रही है। और डिस्टरबेंस का जो मेन कारण है वो आप देखेंगे कि जब आप जो स्विच होता है ना, यहाँ से जो स्विच होता है जो काम करता है, जब आप इसको प्रेस करते हैं तब ज़्यादा डिस्टरबेंस आती है। ये फॉल्ट कब आता है, ये फॉल्ट तब आता है जब क्या होता है कि ये स्विच होता है ये मैन्युअली ऑपरेट होता है, ये स्विच है ये मैन्युअली ऑपरेट होता है। इस स्विच में क्या होता है कि अंदर डस्ट आ जाती है, उसकी वजह से भी इसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस आती है। उसके लिए आपको क्या क्या करना है, सिंपल ही, ये तो इजी है, आप फ़ोन भी, मुझे लगता है, उम्मीद है कि मेरा जो भाई होगा वो ये
ये भी खोल लेगा। जब आप सारे नट खर लें खोल लेंगे इसके, तो ऊपर वाला हिस्सा तो खुल जाएगा। उसके बाद आप इसकी जो प्लेट है प्लेट भी खोल लेंगे अगर डिस्टर्बेंस है। सेकंड में क्या करना है, ये स्विचेस आ गए, ये डिफरेंट स्विचेस मैं बता रहा हूँ, डिस्टर्बेंस आती है तो कोई भी डिफरेंट स्विचेस, कोई भी लाइन फोन है तो उसमें स्विच सेम ही लगा हुआ है। ये मैंने दूसरा बता दिया आपको। जी हाँ, मैंने आपको थर्ड वन बता दिया। उसमें क्या करना है आपको, इजीली आप क्या करेंगे, इसके नीचे मैं इसमें साथ में ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, साथ में मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ है, इसलिए अगर कोई आपको मेरा नहीं समझ लग रहा है, आपको क्या करना है, इधर नीचे की तरफ एक चेक लॉक लगा होता है, इसको जब आप जोर से प्रेस करेंगे तो इसकी जो ऊपर की जो कैप है ये कैप निकल आएगी। आराम से इसको स्विच को प्रेस करके तो ये लॉक निकल आएगा। उसके बाद आपने सैनिटाइजर की जूस से, कॉटन की जूस से आपने जो इसका अंदर का हिस्सा है वो साफ़ करना है, अगर स्टिल आपकी जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं जा रही है। अब मैं आपको बताता भी हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। ये देखिए मैंने स्विच खोल लिया, ये ऊपर नीचे ये रिवॉल्व करता है तो इससे फोन कटता है और सिग्नल मतलब आपस में कनेक्ट हो जाता है। आपने क्या करना है, ये जो हिस्सा है ना ये वाला, इसको सैनिटाइज़र, इसमें क्या होता है कि कार्बन और डस्ट आ जाती है इसके अंदर ना, इंसुलेशन पैदा हो जाती है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आती है। आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। ये जो नंबर वन फॉल्ट में बताया डिस्टर्बेंस का, कि अगर आपके लाइन फोन में डिस्टर्बेंस आ रही है, आप सबसे पहले आप लीड चेंज कर लीजिए आपका जो रिसीवर लीड है। सेकंड प्रोसेस, आप इस स्विच को खोलिए, उसके बाद आप इसको साफ क्लीन कीजिए, और जैसे आपने खोला हुआ है वैसे ही आप इसको मतलब कैप द्वारा से लगा सकते हैं। ये देखिए फैन कैप द्वारा से लग गई। नीचे से आप स्क्रू ड्राइवर करेंगे, हटाएंगे, जी आपकी जो डिस्टरबेंस, अगर डिस्टरबेंस आ रहे हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, जी आपने चेंज कर लिया, उसके बाद इसको भी चेंज कर लिया। अब मैं आपको सेकंड फॉल्ट बताने आज जा रहा हूँ, कि हम क्या देखते हैं कि जब हमने रिसीवर नीचे रखा हुआ है तो रिंग तो आ रही है, नीचे स्पीकर फोन भी ऑन हो रहा है, लेकिन क्या है कि डायल टोन नहीं आ रही है। डायल टोन नहीं आ रही है, उसमें क्या करना है, दोबारा से आपको सबसे पहले ये तो रिसीवर लीड तो हर फॉल्ट में आपको चेंज करके देखनी ही है ना। ये आपने रिसीवर लीड चेंज कर ली, स्टिल अगर आपकी डायल टोन नहीं आ रही है, बेस यूनिट में डायल टोन है अगर स्पीकर वाला फ़ोन है, सेकंड प्रोसेस क्या है कि आपका ये जो रिसीवर है, जी जो रिसीवर है जहाँ से इसको हल्का सा लगाया होता है, इसको आप पीछे करेंगे तो नीचे एक नट निकल आएगा। ये देखिए ये नट है, इसमें नट को खोल के, इसको खोल के उसके बाद क्या करना है, सेकंड वन आप इसका स्पीकर चेंज करेंगे तो इसकी जो डायल टोन है वो आ जाएगी। अगर आपको इस किस्म का स्पीकर नहीं मिले, थोड़ा आजकल इस किस्म का स्पीकर मिलना थोड़ा अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, स्पीकर तो सभी सेम ही होते हैं, आप मोबाइल का स्पीकर आता है आजकल, मोबाइल का जो रिंगर स्पीकर होता है वो किसी को, आजकल गली गली में मोबाइल शॉप है, उसको कहिए आपकी कोई बड़ा किस्म का, बड़ा जो थोड़ा जिसका बड़ा साइज हो रिंगर स्पीकर जो हुआ वो आप दीजिए, उसको आप दो तारें लगवा के ले आइए, और इसके बाद इसको आप निकालिए जहाँ से, और दो तारें आप दूर से इसको काट लीजिए, टू वायर्स यहाँ से दूर से काट लीजिए आप इसको, और टू वायर्स आप वो वाले पुराने वाले स्पीकर को टू वायर्स लगवा के ही लाइए मैकेनिक से ना, तो उसके बाद दूर से ही इसको आप थोड़ा सा ब्लेड से या मैस्टिक की मदद से आप इसको छीलिए, तो आप दो तारें आपस में कनेक्ट करके, और जो आपने छोटा स्पीकर लाया हुआ है
साउंड सभी की सेम ही आएगी, सिर्फ ये है कि उसकी पैकेजिंग आपको अच्छी करनी है। उसके बाद आपने इसको एडजस्ट कर लिया, जो छोटा स्पीकर है जहाँ पे, अगर सेम वाला मिल जाएगा आपको मार्केट से तो अच्छा है, अगर नहीं मिलेगा आपके गली से निकलते ही आपको मोबाइल शॉप मिल जाएगी, आप वहाँ से आराम से मोबाइल का स्पीकर, बड़ा वाला रिंग स्पीकर उसको है ना, रिंग स्पीकर दीजिए, उसमें दो तारे लगा के ले आइए और आपस में कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या आप देखेंगे कि इसमें जो डायल टोन नहीं आ रही है, डायल टोन आ जाएगी। अगर स्पीकर में वॉल्यूम कम है या डायल टोन नहीं आ रही है, उस बेस यूनिट वर्किंग कर रहा है, उसमें जो फॉल्ट है वो स्पीकर का फॉल्ट है, ये स्पीकर चेंज करके आपका फॉल्ट हल हो जाएगा। अब मैं थर्ड फॉल्ट की तरफ निकलता हूँ। थर्ड फॉल्ट ये है कि बाकी तो सारा फ़ोन ओके कर रहा है, हम जब बेस यूनिट से बात कर रहे हैं तो पूरी बात हमारी आ भी रही है, सुन भी रही है, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे ही हम हैंडसेट उठा रहे हैं तो हमको जहाँ से डायल टोन तो आ रही है, लेकिन जो अदर पार्टी जहाँ से माइक का काम होता है वो हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा है। उस केस में क्या होता है, मैं अलग अलग फॉल्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। उस केस में क्या करना है, अगर आपको अदर पार्टी को आवाज़ नहीं आ रही, बेस यूनिट अच्छा काम कर रहा है, उस केस में क्या है कि जहाँ एक माइक लगा होता है, आपको क्या करना है, ये माइक आप दूर से तारें काट लीजिए, इसको माइक इधर माइक लगा होता है इस तरह से ना, एक माइक लगा होता है जहाँ पे दो तारें कनेक्ट हुई होती हैं, उसमें आपने क्या करना है, इस माइक को निकाल लीजिए। तो उसके बाद सेम, क्योंकि ये बड़ा माइक होता है, ये तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है मार्केट में, आपको कहना मोबाइल शॉप वाले को कहिए, कोई भी सिंपल मोबाइल का माइक को, माइक की जो इम्पीडेंस, वो जो वोल्टेज होती है वो सेम ही होती है हर जगह, माइक का या जो इसमें लगा होता है, हेडफोन्स में होता है, ईयरफोन्स में होता है, माइक सेम ही होते हैं। दो तारें लगवा के ले आइए माइक में और दूर से जो थोड़ी तारें काट लीजिए और आपस में इनको कनेक्ट करके टेप कर लीजिए, और जो माइक है वो छोटा माइक नीचे की तरफ एडजस्ट करके ऊपर हल्का सा एक कागज़ रख के ऊपर वैक्स लगा दीजिए कि वो माइक हिले नहीं, फिर आप देखेंगे कि वो छोटा माइक भी वो बड़े माइक की तरह ही प्रॉपर काम कर रहा है। जो आपका आवाज़ यहाँ से नहीं जाने का जो फॉल्ट था वो भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम फॉल्ट की तरफ जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि बरसात के टाइम में चाहे जब आसमानी बिजली कड़कती है तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा यह फ़ोन है वो शार्ट हो जाता है। शार्ट किस मीन्स, किस सेंस में होता है कि हम जहाँ से काट भी देंगे ना, जहाँ से जिस जैसे हम पीछे वायर लगाएंगे तो थोड़ी देर के लिए डायल टोन आएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये जो फ़ोन है वो एंगेज टोन पे चले जाएगा। बाहर से कोई भी कॉलिंग पार्टी होगी या मोबाइल से फ़ोन करेंगे तो फ़ोन एंगेज आ रहा होगी, ये जो उपभोक्ता है व्यस्त है। ये फॉल्ट कब आता है, जब बरसात का मौसम हो या आसमानी बिजली कड़कती है, ये फॉल्ट तब आता है। उस केस में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो आपका फ़ोन है वो फ़ोन खोल लीजिए, जो आपकी सहूलत के लिए मैंने ये फ़ोन, ये सारे फॉल्ट्स में रटे हुए हैं मैंने ना, ये क्योंकि 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप साफ पता लग गया है कि क्या क्या फॉल्ट होते हैं। आपको पहले ये पूरा जो मेन पैनल है ये खोल लेना है इसका, उसके बाद ये जो जैक्स हैं, इधर जैक्स लगे होंगे तो इनको भी खोल लेना। उसके बाद आप क्या देखेंगे, इधर एक पार्ट लगा होगा, मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाने जा रहा हूँ, BR1। अगर फ़ोन एंगेज आ रहा है आपका, या क्या होता है कि कभी बारी 220 वोल्ट AC मतलब लाइन पे गिरती है और फ़ोन बिल्कुल ही आवाज़ आती है, खटक पटाखे की आवाज़ आएगी, आप सोचेंगे कि ओहो ये कोई बच्चा AC में लगा देगा, ये तो मोबाइल बिल्कुल हो गया ब्लास्ट हो गया,
उसमें इसमें क्या होता है कि बी आर होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बी आर वन, आप अच्छी तरह से देखेंगे तो बी आर वन, ये जो बी आर वन है ये प्रोटेक्शन का काम करता है लैंडलाइन फ़ोन में। ये बी आर वन रेड कलर का भी हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ये इसका क्या काम है, वर्किंग क्या है कि इसका होता है कि अगर पीछे से एक्स्ट्रा वोल्टेज आए तो ये आपस में शॉर्ट हो जाता है, वो जो आगे सर्किट में एक्स्ट्रा करंट नहीं जाने देता। इस केस में आपको क्या करना है, अगर ब्लू कलर का लगा हुआ है, रेड कलर का लगा हुआ है, या बी आर वन जहाँ आपने सिर्फ पूरी प्लेट खोल के अगर एंगेज टोन आ रही है, या फ़ोन मतलब जैसे ही आप ये वाला फ़ोन कनेक्ट कर रहे हैं तो साथ वाले जो फ़ोन है वो शार्ट हो जा रहे हैं, या मतलब जैसे ही फ़ोन लगाने में पीछे से आप फ़ोन कर रहे हैं तो लाइन ही शार्ट दिख रही है, तो उस केस में क्या करना है, आपने इस बी आर को डिसकनेक्ट कर देना। डिसकनेक्ट क्या करना है, आप कटर की हेल्प से इसको एक साइड से ब्रेक करके निकाल दीजिए। अगर ब्लू है, रेड है, ग्रीन है या ब्लैक है, जहाँ बी आर वन लिखा हुआ है, आपने इसको क्या करना है, कटर की मदद से इसको कट कर देना है, निकाल देना है। जैसे ही आप निकालेंगे उसके बाद आप देखेंगे ये ओनली प्रोटेक्शन का। आप तो कुछ लोग समझ सोच रहे होंगे कि ये कैसे भाई साहब हैं कि ये सर्किट बोर्ड के अंदर ये जो पार्ट लगा हुआ है इसको ही तोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये इसका काम सिर्फ क्या है, प्रोटेक्शन के लिए। जो एक्स्ट्रा तो आपको मार्केट से अवेलेबल मिलेगा नहीं, लेकिन सिंगल मतलब इस चांस को मतलब बचाने के लिए, अभी फ़ोन को बचाने के लिए आप क्या करना है, इधर से इसको ब्रेक कर देना है कटर की मदद से। जहाँ भी बी आर वन लिखा होगा उसको ब्रेक करके ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी एंगेज टोन का फॉल्ट था या शार्ट फोन का फॉल्ट था वो रिमूव हो चुका है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि बहुत केस में हम क्या देखते हैं कि बाकी तो फ़ोन सारा ओके काम कर रहा है लेकिन फ़ोन में रिंग नहीं आ रही है, रिंग नहीं आ रही। उस केस में हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको स्पीकर फ़ोन ऑन करके देखना है। स्पीकर फोन ऑन करके देखना है, अगर स्पीकर फोन ऑन हो रहा है डैट मीन्स जो रिंग सेक्शन और स्पीकर की जो सेक्शन होती है वो सेम ही होती है। इसका मतलब जो स्पीकर की कनेक्टिविटी जो आपस में बन रही है वो इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में जहाँ पे क्योंकि ये जो फॉल्ट मेरे पास मोबाइल आया था इसमें लैंडलाइन फ़ोन आया इसमें भी सेम ही फॉल्ट था। कि क्या फॉल्ट था, कि इसमें रिंग नहीं आती थी। ये देखिए रिंग नहीं आती थी, उसमें मैंने क्या किया, ये एक जीनियर डायोड लगा होता है जीनियर। ये क्या होता है, इसका भी काम ये होता है कि अगर पीछे से ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो ये शॉर्ट हो जाता है आपस में ज़्यादा। आपने देखना है अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आपने जो सारे ही जहाँ पे जेट लिखा होगा, जिस तरह डी लिखा हुआ है डी को आपने चेक नहीं, जे वाले डायोड्स आपने चेक नहीं करने, जो जेट वाले डायोड्स हो गए जीनियर जे चेक करने हैं। जे मीटर की मदद से अगर कोई भी आपको जीनियर डायोड शार्ट शो हो रहा है तो आपने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो लाइन फोन में रिंग नहीं आ रही है, वो रिंग आ जाएगी। अगर वो जीनियर डायोड अगर आपने जेड जहाँ भी लिखा हुआ है मीटर की मदद से, मल्टीमीटर की मदद से सारे ही जेड वाले चेक करने, डी वाले आप चेक नहीं करने हैं क्योंकि डी वाले जो डायोड होते हैं वो कभी शार्ट नहीं होते, हमेशा जो जेड वाले होते हैं जो ओवर प्रोटेक्शन के लिए लगाए होते हैं वो ही शार्ट होते हैं। उसके बाद क्या फॉल्ट है कि इधर से स्पीकर फोन भी ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ, रिंग भी नहीं आ रही। इसका मतलब सिंपल वे से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये जो स्पीकर फोन है, स्पीकर फोन ख़राब है, डिफेक्टिव है। उसके बाद सिंपली आपका ये स्पीकर इजीली अवेलेबल हो जाता है, मार्केट से मिल जाता है 20-30 रुपीज़ का। इधर नट लगे होते हैं, ये 3 नट आप खोल लीजिए, दूर से ही तार ब्रेक कर लीजिए और मार्केट से जो स्पीकर है वो 2 वायर्स लगवा के आप ले आइए। तो उसके बाद सेम ही प्रोसेस है जिस तरह आपने 2 वायर काटी हैं, तो आप मैस्टिक से या सोल्डरिंग आयरन की जूस से आप थोड़ी सी तारें निकाल लीजिए और इनको दोनों को आपस में बाइंड करके टेप कर दीजिए। ये फॉल्ट किस केस में करना है, अगर स्पीकर फोन भी आपका नहीं ऑन हो रहा है और रिंग भी नहीं बज रही है, क्योंकि दोनों ही काम ये
सेम स्पीकर ही लेता है, तो आपको ये क्या करना है, स्पीकर चेंज कर लेना है। अभी नेक्स्ट फॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत भी लोग कहते हैं कि हमने जब फ़ोन लाया उसमें क्या आ रहा है कि डिस्प्ले नहीं आ रही है। अगर कोई भी लैंडलाइन फ़ोन या लाइन फ़ोन में उसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है तो उसका मेन कारण क्या होता है, कंपनी ने पीछे 3 सेल का ऑप्शन दिया होता है। आप बैक साइड का इसका ढक्कन निकालेंगे तो 3 साल का इसमें 3 सेल का ऑप्शन दिया होता है बैटरीज का। आप क्या करें, अगर डिस्प्ले नहीं आ रही हो, डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है, ये नहीं सोचिए कि इस सेट में कोई फॉल्ट है, आपको सिंपल क्या करना है, इसका जो 3 बैटरीज हैं वो रिमूव कर दीजिए। और साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या होता है कि जब हम नया फ़ोन लाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम 3 बैटरीज हम डलवा के लाते हैं, तो उसके बाद 1 महीने 2 महीने या 3 महीने या साल हम वो बैटरी चेंज ही नहीं करते। उससे क्या होता है कि वो लीक होकर आपस में बैटरीज क्या होती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं। वो बैटरी शॉर्ट होने की वजह से वो सारा इंटरनल सर्किट भी शॉर्ट कर देती हैं। हम पूरा देखते हैं, हम सारा लाइन जे वाला रिसीवर लीड मेन लाइन सारा अंदर से चेक कर लेते हैं, लेकिन हम इस पोर्शन को खोल के देखते ही नहीं जहां हमने सेल डाले हैं। ये सेल बेसिकली लीक हो गए होते हैं साल डेढ़ साल के बाद, और लीक होने की वजह से वो उनमें पूरा ही कंडक्टिविटी हो जाती है आपस में, तो वो पूरा ही उन्होंने सर्किट शॉर्ट कर दिया होता है। उस केस में क्या, आप जैसे ही सेल निकालेंगे तब भी जो सर्किट ओके हो जाएगा, और जैसे ही नए सेल डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि डिस्प्ले भी आ जाएगा और लाइट भी आ जाएगी। और ये अब आपको मैंने फॉल्ट बता दिया, अगर आपका डिस्प्ले या लाइट नहीं आ रही है तो उसका फॉल्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपने क्या, हम देखते हैं कि जो जैक लगा होता है जहाँ रिसीवर लीड लगाते हैं, ये गलती से टूट जाता है हमसे, या थोड़ी देर के बाद ये इसमें क्रैक आ जाता है, प्लास्टिक ही होती है ना ये, जहाँ पे ये जैक होता है आप सिंपली जैक को निकालिए और जहाँ से मतलब इसको दूर से थोड़ा इसको कट कर लीजिए। कट करके आपको ये इजीली कोई पुराना कोई फ़ोन होगा घर में तो उसका कोई जैक निकाल लीजिए, सारे जैक सेम ही होते हैं, या मार्केट से जैक ले आइए। उसके बाद आप क्या करें, मैस्टिक की मदद से आप इसको वायरों को काट के थोड़ी थोड़ी सी इसकी इंसुलेशन निकाल लीजिए दोनों साइड से, नई जैक की भी और जो आपने पुराना जैक काटा हुआ है। उसके बाद क्या किया, आप इनको लपेट लीजिए चारों तारों को, येलो के साथ येलो, ग्रीन के साथ ग्रीन, रेड के साथ रेड, ब्लैक के साथ ब्लैक। उसके बाद आप इसको टेप कर लीजिए इनको। ये नहीं है कि आपको जैक चेंज करने के लिए जहाँ से ग्रीन वायर गई हुई है नीचे ही सोल्डरिंग करनी है, या येलो वायर जहाँ गई हुई है वहीं सोल्डरिंग करनी है आपको। सिंपल आप क्या कीजिए कि इनको मतलब दूर से ही करके तो टेप कर लीजिए आप आपस में, मतलब इससे आप इजीली आप घर बैठे ही अपना ये जो जैक है, या कोई हमारा रिपेयरिंग वाला साथी कोई ये मेरी वीडियो देख रहा है वो आराम से जैक को चेंज कर सकता है, क्योंकि मैं 8 ईयर्स में जैक ऐसे ही चेंज करता आया हूँ। अगर आप नीचे से जैक चेंज करने जाएंगे नीचे से, तो कोई सर्किट बोर्ड में हो सकता है कोई आपका सोल्डर गलत जगह पॉइंट में लग जाए और सर्किट ही शॉर्ट हो जाए, फ़ोन पूरा फ़ोन ही डेड। और बड़ी मेन जो मेन जैक है, मेन जैक भी आपको इस तरह ही चेंज करना है, मेन जैक की भी इस तरह दो ही वायर्स होती हैं, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक होगी या रेड और ग्रीन होगी। तो आपको क्या करना है, नया जैक लाइए, एडजस्ट कर लीजिए वहाँ पे नया जैक, और तारें ब्रेक कर लीजिए, और मैस्टिक या सोल्डरिंग आयरन से आप इनकी थोड़ी इंसुलेशन उतार लीजिए, और जहाँ से भी आपने जो वायर काटी हुई है तो इनको आप कर्ल कर्ल के आपस में लपेट के टेप कर लीजिए। इससे आपका ये जैक की, ये मैंने आपको जैक चेंज करना भी बता दिए कि जैक आपको किस तरह चेंज करने हैं। अब ये जो नेक्स्ट सेक्शन में लेके आया हूँ फॉल्ट के लिए, ये मैं अपने रिपेयरिंग वाले साथियों के लेके आया हूँ। अगर आपने जिस तरह मतलब अंगेज स्टोन पीछे से आ रही है, आपने जो मैंने BDR बताया आपको, BDR रेड ग्रीन या ब्लैक कलर का BDR लगा हुआ है, अगर वो भी चेंज करके अगर आपके लिए फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सर्किट में देखना है, आपको सर्किट में चेक करना है सिंपली, वो क्या है कि उन्होंने माइक चेंज करके भी देख ली, हमारे जो रिपेयरिंग भाई वाले भाई हैं ये फॉल्ट उनके लिए है, तो फिर भी जो आउटगोइंग स्पीच नहीं जा रही है उसके
केस में क्या करते हैं, उनको सर्किट में सिर्फ 8550 नंबर ट्रांजिस्टर देखना है, 8550 ट्रांजिस्टर जरूर लगा होता है एक, जिस तरह इस सर्किट बोर्ड में जो 8550 ट्रांजिस्टर लगा हुआ 8550, इसको उसने रिपेयरिंग वाला भाई है या कोई घर में खुद भी चेंज कर सकता है, तो 8550 इस ट्रांजिस्टर का नंबर है 8550, अगर आउटगोइंग स्पीच नहीं जा रही है उसको सिंपल 8550 ट्रांजिस्टर चेंज करेगा तो आउटगोइंग स्पीच ये स्पीच ट्रांजिस्टर लगा होता है 8550। और अगर एंगेज टोन भी सभी एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी एंगेज टोन बंद नहीं हो रही है तो उस केस में जहाँ पे एक 92 ट्रांजिस्टर लगा होता है 92 ट्रांजिस्टर चेंज करना है उसको 92। बाकी मैं डिफरेंट पार्ट्स आपको बता दूँगी कि सर क्या लगा होता है, ये कंप्लीट बता रहा हूँ मैं आपको, ये लगे होते हैं डायोड्स, ये डायोड्स हैं, ये फिल्टर्स हैं, फिल्टर हैं, फिल्टर्स की वैल्यू है, फिल्टर की वैल्यू देख सकते हैं क्या है, ये है 100 माइक्रोफेरेड 10 वोल्ट का फिल्टर कैपेसिटर है, ये है 25 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, अलग अलग आईसी भी आपको बता सकता हूँ आईसी कहाँ लगे हुए हैं, ये छोटे दो आईसी लगे हुए हैं, ये आईसी हैं, ये भी कैपेसिटर होता है, इसको सिरेमिक कैपेसिटर बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस है, इनको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए जो डायोड्स लगाए होते हैं जीनियन डायोड्स हैं, ये ट्रांसफार्मर होता है छोटा सा जो रिंग की कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज में, ये जहाँ से इंटरनल सर्किट्स में ही जो इनके टू पॉइंट्स होते हैं, अगर आपकी कोई मतलब इंटरनल सर्किट मिस हो गया इनके जो आउटपुट में जो नीचे दो वायर्स होंगे आप डायरेक्ट ही इन वायर को कनेक्ट करेंगे स्पीकर में तो रिंगटोन मतलब आ जाएगी अगर ये सर्किट आपस में मिस हुआ होगा। बाकी ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, BDR है, ये प्रोटेक्शन के लिए रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, कंप्लीट डिटेलिंग मैंने आपको समझा दी। बाकी कीबोर्ड है, अगर कोई स्विच अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप इस फ़ोन को खोल लीजिए, अगर आपको कोई स्विच काम नहीं कर रहा है तो आपको ये मतलब कोई हार्डली क्या होता है कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद क्या होता है कि ये जो बोर्ड है कीपैड स्विचेस बोर्ड ही हार्डली प्रेस करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है यहाँ से ये वाले आप स्क्रू ड्राइवर खोलिए, आराम से स्क्रू ड्राइवर से नट खोलिए, आराम से ही ये कीपैड निकल आएगा, कीपैड निकल आएगा, उसके बाद आप आराम से ही पहले जो प्लेट है उसको सैनिटाइजर से साफ़ करके और जो कीपैड है उसको आप वाटर से पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, साबुन लगा के जो इसके नीचे से कीपैड निकलेगा और उसको ड्राई कीजिए अच्छी तरह जो कीपैड होगा, तो उसके बाद जब पूरा सूख जाएगा जैसे ही आपने कीपैड को नीचे वाले को खोला हुआ है वैसे ही कीपैड, अगर आपको कोई स्विच हार्डली बहुत जोर लगा के आपको प्रेस करना पड़ा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कीपैड नॉट वर्किंग, अगर आपका कीपैड में मतलब बहुत हार्डली प्रेस करना पड़ रहा है आपको या कोई 2 नंबर बटन या 4 नंबर बटन में बीच में कुछ, उसके लिए आपको ये सारे नट्स खोल के तो ये जो प्लेट का बैक साइड को आपको सैनिटाइजर कार्टन में थोड़ा सा सैनिटाइजर लगा के आप इसको साफ़ कर लीजिए और जो कीपैड नीचे से रबड़ निकलेगी रबड़ को आप साबुन लगा के तो पानी से अच्छा सा धो के उसको सुखा के तो दोबारा से फिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ लैंडलाइन से संबंधित जितने भी मतलब फॉल्ट लैंडलाइन फ़ोन में आते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, अगर ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कमिंग डेज में एक हम गिव अवे भी करने वाले हैं बीतल फ़ोन का, जो इसका मतलब सब्सक्राइब हो जिसका कमेंट भी कीजिए, जिसका कमेंट बहुत ही अच्छा लगेगा तो हम उनको लैंडलाइन बीतल का या फिर एक कोई हो सकता मोबाइल ही गिव अवे करें, तो इसलिए आपको करना क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और मेरी वीडियो को आपने शेयर करना है, कमेंट्स को देख के जिसका कमेंट हमको सबसे अच्छा लगेगा उनको एक गिव अवे देंगे लैंडलाइन फ़ोन या एक मोबाइल फ़ोन। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।